नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरुत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की तरफ। झांसी में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट, घर के बाहर झाड़ू लगाते वक्त कसी पंक्तियां, विरोध पर मारपीट की। आगरा में सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल, लाइफ लाइन एमजी रोड पर 1 किलोमीटर तक किया बाइक पर स्टंट। मेरठ में मां से बिछड़ी सिम्बी के खेलने कूदने का वीडियो आया सामने, शावक के बाड़े में लगा है कूलर। अयोध्या में मिला व्यक्ति का शव, सरयू नदी में लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस शिनाख्त में जुटी। लखनऊ के शहीद पथ पर हादसा, कंटेनर में पीछे से डीसीएम की टक्कर, डीसीएम ड्राइवर की मौत। सुल्तानपुर के नए एसपी को चार्ज लेते मिली दो चुनौतियां, डबल मर्डर और रिटायर्ड फौजी को गोली मारने का मामला। कानपुर हिंसा के टॉप 3 वांटेड डीसीपी ईस्ट ने गिरफ्तारी की, घेराबंदी तेज की, जल्द पत्थरबाजों का नया पोस्टर जारी हुआ। उदयपुर में नूपुर के समर्थक की हत्या, यूपी में अलर्ट, कानपुर में अशोक गहलोत का पुतला फूंकने का ऐलान। अमरोहा में गटर में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत, 3 घंटे तक नाले में ही पड़ा रहा, खोजबीन हुई तो चप्पल से पता चला। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 11 की मौत, लखनऊ समेत 44 जिलों में अलर्ट। औरैया में नहर में उतरा था मिला महिला का शव, 3 दिन पुराना है, सड़ जाने की वजह से नहीं हो रही शिनाख्त। गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, लूट चोरी, पेशावर है दोनों अपराधी, 1 पर 25,000 का इनाम। गोरखपुर के 41 माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, राजन तिवारी, सुधीर राघवेंद्र जैसे अपराधियों को सजा दिलाएगी पुलिस। आगरा में वॉइस मैसेज भेजकर आर्मी मैन ने भड़काई थी अग्निपथ हिंसा, बोला मैं फौजी होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा। कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 सिपाही घायल, 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में अधिवक्ता को मारी गोली, घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। अमेठी में बंदर की हत्या का वीडियो वायरल, शराब पीकर 2 युवकों ने बंदर पर बरसाए ईंट पत्थर, मरते दम तक नहीं छोड़ा। उन्नाव में कार में बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 1 की हालत नाजुक। प्रयागराज में 5 दिनों तक शव घर में रख किया तंत्र मंत्र, लड़की को जिंदा करने के लिए लिया अंधविश्वास का सहारा। देवरिया में पिता ने बेटी को किया सौदा, विरोध करने पर पत्नी का बाल काटा और बेटी को पीटा। मथुरा में मंडी समिति में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का माल जलकर राख। सुल्तानपुर में मां बेटी की हत्या का मामला, आशनाई के पहलू पर आकट के, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, हिरासत में संदिग्ध। गोरखपुर में पुलिस एनकाउंटर में लुटेरे के पैर में लगी गोली, 25 जून की रात को लूट की घटना को दिया था अंजाम। उदयपुर हत्याकांड के बाद कानपुर में हाई अलर्ट, पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में किया पैदल मार्च। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बैरिकेडिंग तोड़, खाई में गिरी बस, 26 सवारियां घायल, 3 की हालत गंभीर। देवबंद में एनआईए की छापेमारी, जनसेवा केंद्र संचालक को हिरासत में लिया, फर्जी आधार से जुड़ा है मामला। छत से लटकाकर युवक को पीटने का वीडियो वायरल, 2 घंटे तक बरसाए लाठी डंडे, मारने वाले पूछ रहे थे बोल क्या क्या चुराया। मरीज को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम, लखनऊ के बीआरडी में ब्रेन स्ट्रोक से तड़प रहा था मरीज, साथ में कोई भी नहीं था। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट की घटना में चल रहा था फरार।
कानपुर में पैकेजिंग मटेरियल कंपनी पर छापा, 68 लाख का माल सीज, 30 लाख टैक्स के रूप में जमा कराए। अलीगढ़ के कस्बे में हुई लूट से मचा हड़कंप, 32 लाख लेकर उड़े बाइक सवार लुटेरे। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने अधेड़ पर किया हमला, अधेड़ गंभीर रूप से घायल। और यह राजस्थान की घटना को लेकर पुलिस हुई सख्त, फ्लैग मार्च निकालकर जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। बहराइच में 8 स्थानों पर संपन्न हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 376 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आगरा में हिंदू महासभा ने उदयपुर हत्या को लेकर कांग्रेस पर किया वार, राजस्थान कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। बुलंदशहर में गैर संप्रदाय के युवकों ने किया मां और उसकी दो नाबालिग बेटियों को अगवा, सीएम योगी से पीड़ित ने लगाई गुहार। कानपुर में 6 साल की मासूम से रेप, बच्ची बोली अंकल ने गलत काम किया, 40 साल का आरोपी आम खिलाने के बहाने ले गया। झांसी में रहा चलती महिला को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर मौत, ससुराल और मायके पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में घर में घुसकर लड़की पर चाकू से हमला, सिरफिरे आशिक ने दिया घटना को अंजाम। लड़की प्रेमी के साथ भागी तो गलती माँ बाप की, रामपुर के एसपी बोले मेरा बस चले तो मैं लड़की के माता पिता को भी जेल भेज दूं। फतेहपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसपी ने किया भ्रमण, झूठी अफवाहों से दूर रहने की अपील। झील में तब्दील हुआ पुलिस लाइन और थाना, पानी से होकर आ जा रहे फरियादी, बारिश के मौसम में हमेशा होता है जल भराव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आई मथुरा उदयपुर, वारदात पर बोले जितनी निंदा की जाए उतनी कम। उदयपुर घटना के पीछे पाकिस्तान की साजिश का दावा, कहा पाक के आतंकी संगठन दावत इस्लामी के फॉलोवर है हत्यारा। प्रतापगढ़ में बीओबी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, गार्ड की कुर्सी जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जालौन में कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने की हड़ताल, 2 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जाने की कही बात। उदयपुर में नूपुर समर्थक की हत्या का यूपी में विरोध, कानपुर में भाजयुमों ने सीएम गहलोत का पुतला फूंका। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत, बेटे ने लगाया लापरवाही का आरोप, बोला लगातार लगाए थे 6 इंजेक्शन। भदोही में छेड़खानी करने पर युवक की हत्या, छेड़छाड़ पर पिता और परिजनों ने की पिटाई, साक्ष्य छिपाने के लिए कुएं में फेंका शव। इटावा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, ट्रॉफी का लालच देकर 7 वर्षीय बच्ची से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर 2 मरीजों की मौत, रायबरेली जिला अस्पताल में 5 घंटे कटी रही बिजली, टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा इलाज। बुलंदशहर में कन्हैया हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, कहा कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फरुखाबाद एक और बेटी की मां की कोख में चढ़ी बलि, हत्यारे मां ने कोख में ही बेटी के भ्रूण की हत्या की और फेंका। गाजियाबाद में पति ने पत्नी पर किया वार, घायल महिला गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। गोंडा में मुकदमा नाली के जाने से परिजनों ने आर्य नगर मार्ग पर रखा शव, रख कर चक्का जाम किया, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई करीब दर्जन भर दुकानों में लाखों का सामान हुआ राख। हरदोई में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, पिता ने ससुराल जनों पर लगाया हत्या का आरोप। कुशीनगर के उच्चाधिकारी ने किया देवरिया जेल का निरीक्षण, उच्चाधिकारियों ने कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उदयपुर की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
मैनपुरी में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट करने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से जिंदा कारतूस किया बरामद। प्रयागराज में अचाला हिंसा के मामले में दो और आरोपियों को कस्टडी रिमांड मंजूर। दो आरोपियों से पुलिस करेगी पूछताछ। उन्नाव में सीएमओ द्वारा सीज नर्सिंग होम में गलत इलाज से महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाया मौत का आरोप। गोड्डा दबंग का कोठेदार डाल रहा गरीब पटाखा। कोठेदार के द्वारा एक यूनिट पर एक से दो किलो राशन की जा रही कटौती। झांसी के मोंट में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। दो दर्जन घायल, चार गंभीर। जालौन में चिरगांव दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। गाजीपुर में स्कूल में सो रहे हेडमास्टर का वीडियो वायरल। पूछने पर ऊंघते हुए बोले तबीयत है खराब। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। बाढ़ के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल सेंटर। सीएम योगी ने की समीक्षा। कहा जिलाधिकारी थोड़ी भी दिलचस्पी ले ले तो काम आसान हो। मैनपुरी में तीन सगी बहनें लापता। घर में छोड़ी एक चिट्ठी। लिखा पढ़ाई के लिए छोड़ रहे घर। पुलिस को दिल्ली में मिली लोकेशन। संत कबीर नगर में नदी में डूबे छह बच्चे। तीन की मौत। एक ही परिवार के दो चिराग बुझे। तीन को बचाया गया। हरदोई मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। अध्यापक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कुशीनगर में शौच करने जा रहे एक अधेड़ की नाले में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में प्लास्टिक मुक्त बनाने को चला अभियान। जिला मुख्यालय सहित स्टेशन परिसर में इकट्ठा की गई प्लास्टिक। पिकअप में लदी सरिया सिर पर लगने से मौत। बारिश के बाद सुहाने मौसम में ऑटो से दोस्तों के साथ घूमने निकला था व्यापारी। अंतरराज्यीय पशु चोर मुठभेड़ में घायल। अरेस्ट आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस और गाड़ी बरामद। मुजफ्फरनगर में संचालक को धोखे से बुलाकर पैथोलॉजी लैब में चोरी। पुलिस ने छह घंटे में 4 लाख का सामान किया बरामद। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।